तो वही इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो बंदी 2 सिनेमाघरों में लग चुकी है और इसका इसके पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है अहमद खान। उनसे मैं बस यही विनती करना चाहूंगा कि साहब बख्श दो हम तुच्छ प्राणियों को, हमारे अंदर आपके इस डायरेक्शन वाले टैलेंट को झेलने की क्षमता नहीं है। आपका निर्देशन हमारी तुच्छ इंद्रियों के समझ से परे है, नहीं झेला जाता। कोई तो रोक लो यार इस आदमी को डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठने से, कोई मुहिम चलाओ या पिटीशन दाखिल करो, कैसे भी करके बस इसे रोक लो। और टाइगर श्रॉफ से भी विनती है भाई, अभी भी टाइम है, बचा ले अपने करियर को इस आदमी के हाथों बर्बाद होने से। एक्टिंग तो तुम्हारी वैसे भी काम चलाऊ है, जो बस एक एक्शन वाला टैलेंट है तुम्हारे पास उसको क्यों केंज बनाने में तुले हुए मेरे भाई। आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, क्या करूँ यार दिमाग हिल चुका है मेरा इस फिल्म को देखकर। 2.5 घंटे का टॉर्चर कैसे जला ये तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ यार। सीधा सीधा बोलूँ तो फिल्म हर डिपार्टमेंट में कंडम है। कहानी, एक्टिंग, एक्शन, केंज वर्दी डायलॉग्स, यहाँ तक की फिल्म का म्यूजिक भी टोटल एवरेज है। यकीन नहीं होता की ए आर रहमान सर ने इसका म्यूजिक दिया है। पूरी तरीके से भुला देने वाला म्यूजिक है, एक भी गाना ढंग का नहीं है। फिल्म का जो ह्यूमर है वो तो यार एकदम ही घटिया स्तर का है। मैं अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, जिसने भी ये डायलॉग्स लिखे हैं मैं उसे कहना चाहूंगा कि भाई तू पहले ह्यूमर और वल्गैरिटी में अंतर समझ ले, डायलॉग बाद में लिखियो। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या था ये लैला का किरदार, इतने बेहतरीन एक्टर को कास्ट किया और उससे क्या चूतियापा करवाया है। यही बात मैं टाइगर श्रॉफ के बारे में कहना चाहूंगा कि इस बंदे के पास वो काबिलियत है कि ये बॉलीवुड का बेहतरीन एक्शन हीरो बन सकता है, लेकिन इनसे हीरोपंती की जगह चूतियापंती करवाई जा रही है। वही रिपीटेटिव एक्शन स्टाइल और बात बात पर इसके कपड़े क्यों फाड़ देते हो यार। मैं पता है इसके पास अच्छी बॉडी है, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, क्या ये लोग फिल्म बनाने के बाद देखते नहीं है कि क्या टट्टी बनाई है इन्होंने, या ये पब्लिक को बिल्कुल ही चूतिया समझती है कि हम कुछ भी बनाएंगे फैंस तो आ ही जाएंगे अपना चूतिया कटवाने के लिए। बस अब मेरे से इससे ज्यादा नहीं बोला जा रहा है इस फिल्म के बारे में। कुल मिलाकर फिल्म कबाड़ है, इसके सामने हीरोपंती 1 एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म लगेगी। और एक बात, इससे बच्चों से दूर ही रखें तो बेहतर होगा। फिल्म में कुछ इंटीमेट और किसिंग सीन और डबल मीनिंग जोक्स तो है ही, इसके अलावा इसे देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है जैसा मेरा बिगड़ चुका है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगर मेरा मानसिक संतुलन सही रहा तो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलो फिर बाय, टेक केयर एंड दूर रहो इस हीरोपंती 2 नाम के टॉर्चर से।